नमस्कार। पूरी दुनिया में इस कोरोना काल में लोग बचने के लिए योगा प्राणायाम कर रहे हैं, और जो योगा प्राणायाम है वैसे भी बहुत फायदेमंद होता है। सो योगा इज लाइक एंशियंट एक्सरसाइज एंड प्राणायाम इज लाइक डूइंग समथिंग वेरी कॉन्शियसली एंड वर्किंग ऑन योर ब्रीथ। सो प्राणायाम लाइक प्राण एंड आयाम, प्राण ब्रीथ, जन्म से मरने तक हम सांस लेते हैं और उसी से हमारा चलता है शरीर और सब कुछ। सो उसको ध्यान से करना, लाइक प्राणायाम इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। सो प्राण इज ए ब्रीथ और वाइटल एनर्जी इन द बॉडी ऑन लाइक वेरियस लेवल, एंड आयाम इज लाइक कंट्रोल। सो प्राणायाम इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। सो ब्रीथ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे और उससे क्या फायदा होता है? जनरली लोग बोलते हैं प्राणायाम को या योगा को सुबह करना चाहिए। सुबह इसलिए करना चाहिए क्योंकि सुबह ऑक्सीजन हवा में ज्यादा होता है। कई रीजन है उसके, लोग घर से बाहर नहीं होते हैं, सड़क कल करखाने सब कुछ बंद होता है, तो और प्राणायाम को करने के लिए लाइक खाली पेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट मतलब फास्टिंग के में करने से, जैसे आप रात में खाना खा के 8-9 बजे जनरली लोग खा लेते हैं या 10 बजे खा लेते हैं, जो भी 7-8 घंटे का गैप हो जाता है सुबह अगर आप करते हैं तो। सो उस समय आपका पेट खाली होगा तो सही करने में सही रहता है। और मॉर्निंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन एयर में ज़्यादा होता है। आप चेक भी कर सकते हैं कहीं भी, अगर एयर इंडेक्स मीटर है आपके पास तो। और लाइक प्राणायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्ट हेल्दी रहता है, स्ट्रेस, अस्थमा, हेडेक, माइग्रेन, बहुत सारा न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल होता है। बहुत सारे लोग आजकल योगा कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं। सो ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए जो कई बार लाइव सेशन में भी आए हैं और चाहते हैं गाइडलाइन प्राणायाम पे। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमको किसी एक पोज में बैठ जाना है। अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी है मतलब आप नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठेंगे, नहीं बैठ सकते हैं तो आप का जो ये पोर्शन है कमर से लेके और इसके बीच का, सो वो पोर्शन सीधा होना चाहिए। और मतलब गर्दन से लेके रीढ़ की हड्डी तक वो सीधी होनी चाहिए और मन शांत होना चाहिए। सो जल्दबाजी में ना करें, 10 से 15 मिनट बहुत है स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट आप 5 मिनट से भी करते हैं, 1 से 2 प्राणायाम करके भी आप छोड़ सकते हैं। सो एक एक दो दो प्राणायाम अभी करके हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, हाँ, जो जमीन पे नहीं बैठ पाएंगे उनके लिए किसी चेयर पे बैठ सकते हैं सीधा। आप देखिए ऐसे कमर सीधा हो और मेरुदंड सीधा हो, सामने की ओर देखें, गर्दन ज़्यादा झुकी हुई नहीं हो। सेम काम हम करेंगे नीचे बैठ के, क्योंकि जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठना ही स्वास्थ्यवर्धक है। और ये जो पोज है आप ऐसे बैठ सकते हैं, अगर ये मालूम ही है हम लोग शुरू से ही इसको पलथी लगा के या सुखासन पद्मासन से मिलता जुलता किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। आप एक के ऊपर पैर नहीं चढ़ा सकते हैं या ऐसे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो ये ठीक है, बट ये जो लोग को जिनको अभ्यास नहीं है ऐसा करने का उनको ये यहाँ पे तनाव होगा, दर्द होगा। सो वो सीधा बैठे, फिर सीधा एक पैर भी यहाँ मोड़ के हटा दे
और दूसरे को ऊपर चढ़ा लें। तो ये क्वाइट कंफर्टेबल पोज है और मेरुदंड सीधा रखेंगे और हम लोग क्योंकि प्राणायाम है, प्राण का आयाम कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, सो हम लोग पहले 2 से 3 सेकेंड में सांस भरेंगे, सांसियां भरेंगे, सांस लेना है 2 से 3 सेकेंड में नाक से और सांस छोड़ देना है। पोज कोई भी कर सकते हैं, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें और इसको घुटने पर लगा दें। सो ये एक ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा है इसको बोलते हैं, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे बट जो प्राणायाम उस पर जाएंगे। सो इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। हमारे कई गुरु जी हैं, सदगुरु हैं, बाबा रामदेव तो खैर काफ़ी दिन से योगा पे बहुत कुछ करते हैं और कराते आ रहे हैं। सो सब लोग किसी का भी देख सकते हैं बट जस्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कि हमेशा सीधा बैठ गए। और सो 2 से 3 सेकंड में हम सांस अंदर भरेंगे स्टार्ट जब कर रहे हैं, तो जो ना जिनको अभ्यास हो जाएगा तो लंबा गहरा सांस भी ले सकते हैं बट स्टार्टिंग के लिए 2 से 3 सेकंड में सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ देंगे। सो 2 से 3 सेकंड में सांस भरें और रोक के रखने का जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में छोड़ दीजिए, फिर सांस को यहां भरना है या नहीं भरना है। सो मूवमेंट अगर आपको दिख सके तो हाँ, चेस्ट पे थोड़ा सा आपको मूवमेंट दिखेगा। सो ये एक प्राणायाम है और दूसरा प्राणायाम हम करेंगे जिसमें हमको पेट से, पेट को ऐसे पीछे की तरफ धक्का देके सांस निकालना है। हमारा ध्यान रहेगा केवल सांस छोड़ने पे, सांस लेने पे नहीं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप सांस छोड़ेंगे तो शरीर को सांस चाहिए, वो अपने आप आएगा। मतलब हमारा फोकस सांस छोड़ने पे रहेगा जो कि धीरे धीरे स्लोली करेंगे। किन्हीं को क्रोनिक बीमारी हो, लीवर और कुछ भी इसके आसपास का बीमारी हो, या हार्ट का बीमारी हो, या डायबिटीज है, ज्यादा थोड़ा बहुत डायबिटीज नहीं, 10-20 बढ़ा हुआ शुगर, तो वो तो आपके खान पान पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको क्रोनिक है, बहुत दिन से है, तो उनको धीरे ही करना है। तीस से साठ बार से स्टार्ट कर सकते हैं, 15-20 दिन का अभ्यास हो जाए तो फिर इसको धीरे धीरे 10-20 करके बढ़ाते रहें। जो फिट फाइन है वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो ये इसको कपालभाति बोलते हैं। और सबसे जरूरी और आज के ज़माने में, आज जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें सबसे कारगर प्राणायाम, जो सब कारगर है, ये भी कारगर है, इसका ऐसा नहीं है, महत्व नहीं है, इसको नहीं करेंगे और केवल नेक्स्ट जो बताने जा रहे हैं हम उसको आप करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसको बढ़ाना है, क्योंकि आप इसको जब भी खाली पेट है या खाना खाने के 3-4-5 घंटे का गैप है तो भी आप कर सकते हैं दिन में 3-4-5 बार। सो हमको एक नाक बंद करना है, तो आप ऐसे बंद करें और बाद में दूसरा ऐसे बंद कर लें, या आप ऐसे करके बंद करें और ऐसे बंद कर लें, आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे कर लें फिर ऐसे कर लें। तो कहने का मतलब जब इधर बंद करेंगे तो हम यहाँ से सांस भरेंगे गहरा लंबा, वही 3-4 सेकेंड जितना टाइम में आप भर सके, और फिर इधर से बंद करके इधर से निकाल देंगे, और जब इधर से निकालेंगे उसके बाद फिर इधर से लेंगे और इधर से निकाल देंगे। सो एक बार करके बताते हैं। और स्टार्टिंग में कई बार होता है कि हम नाक तो साफ करते हैं नहाने के समय या सुबह बाथरूम जाते समय, बट फिर भी थोड़ा सरसराहट होता है, जैसे कि हम आदत में नहीं है तो इसमें थोड़ा आवाज होता है, तो उसके लिए आप ये करने से पहले
थोड़ा सरसों तेल साफ हाथ से ऐसे टच करके हाथ पे लेके और ऐसे नाक के अंदर घुसा के ऐसे ऐसे कर दें और फिर साथ में कर लें, हाथ धो लें। हाथ धोना बहुत जरूरी है, अभी सैनिटाइजर के भरोसे नहीं रहे, हाथ जरूर धोएं। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, जहाँ जिसमें अल्कोहल नहीं होता उसमें और केमिकल होता है, तो हाथ धो के हम अगर खाना खाएंगे तो वो केमिकल हमारे अंदर भी जाएगा, तो ये सावधानी वाली बात है। साबुन से ही हाथ धोएं कम से कम खाना खाने से पहले, या आँख कान नाक मुंह कुछ भी छूने से पहले। हमारे यहाँ तो साबुन पानी इजीली अवेलेबल है, तो ठीक है। सो यहाँ से बंद करेंगे हम, तो अभी हम ऐसे बंद कर रहे हैं, आप ऐसे जैसे चाहे। तो ये मैंने सांस भरा 2 से 3 सेकंड और फिर इधर बंद करेंगे और इस वाले नाक से छोड़ देंगे, फिर इधर से लेंगे गहरा लंबा सांस और इधर से छोड़ेंगे। थोड़ा पास से आपको दिखा दें, ये जरूरी है। अनुलोम विलोम, एक तरफ से सांस लेना दूसरे से छोड़ देना बहुत जरूरी है। इसको आप यहां से स्टार्ट किए, तो इसको आप एक चक्र माने, ऐसा 10 बार अवश्य करें स्टार्टिंग में, इसको बढ़ा के 20, 30, 40 बार करें। आपका जितना प्रॉब्लम है शरीर में, आपको 20 से 25 दिन करने के बाद आप खुद फील करेंगे। 1 से 2 दिन में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा। और हाँ, पूरे देश में मतलब हर देश में, भारत में ही नहीं, सब जगह जो भी कोरोना से ग्रसित हैं उनको जो दवाई दिया जा रहा है और उसमें विटामिन सी विटामिन डी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में और योगा कराया जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते हैं, बट वो भी करा रहे हैं योगा। तो योगा करते रहिए, आप पहले से फिट एंड फाइन रहिए। सो इसको आप धीरे धीरे बढ़ा के जितने ज़्यादा करें। अब नेक्स्ट है, ये 3 करने के बाद और कई हैं, आप इसके बाद आप ध्यान लगा के बैठ सकते हैं, आंख बंद करके सांस ले सकते हैं और सांस लेते हुए हमारा जो ऑक्सीजन एयर हमारे नासिका से अंदर जा रहा है उसको फील कर सकते हैं, ध्यान वहां कर सकते हैं और फिर सांस छोड़ सकते हैं। ये भी एक ध्यान में और मेडिटेशन का पार्ट है। इसमें आप सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण कर सकते हैं, इसके बाद कुछ देर ध्यान में भी बैठ सकते हैं। ध्यान में मतलब मन शांत, मन में कोई और विचार नहीं, ओम का उच्चारण करें या शांत रहें, सांस लंबा गहरा लेते रहें। दिमाग में अगर कुछ आ रहा है विचार तो उसको दूर करें। और मेरे ख्याल से वीडियो लंबा बन गया, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।